गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू नोद ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत करते हैं आज के इस नए ब्लॉग। तो हम आ चुके हैं आज करोलबाग मंडे मार्केट, जो कि गेट नंबर 1 के पास से देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। पूरी मंडे मार्केट लगती है। फिर हम यहाँ पे आए थे जूते लेने के लिए आपके लिए। देख सकते हो कितने यूनिक प्यारे प्यारे जूते। ये फैशन का जूता है, देख सकते हो आप। ये मात्र 1100 रुपये का है। मेट्रो के नीचे भी है कि शॉप है, काफ़ी ओपी लग रहा था, देख रहे हो। फिर ये दूसरा जूता हम उठाते हैं यहाँ पे, ये भी इतना मस्त लग रहा था ना। इसके फीते देख रहे हो कितने ओपी लग रहे हैं, बिल्कुल बाय ओके का जूता है ये, काफ़ी जेन्युइन लग रहा था गाइस। इसका रेट है 1100 रुपये, एकदम ओपी फाड़। तो ये दूसरा भी उठाते हैं, मोगे का उठाते हैं। इसका डिजाइन भी एकदम मस्त है। ये है 1050 रुपये का, एक नंबर। देख रहे हो कितने सारा कलेक्शन है भैया के पास, काफ़ी यूनिक जूते हैं। तो आप यहाँ पे जल्दी जाए। तो आप जानते हो कि पास्ता वाली आंटी है जो फेमस है करोलबाग में। फाइनली यहाँ पे हम पैंट लेने आ जाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे 400 रुपये की कोई सी भी पैंट है। संदीप भाई पैंट देख रहे थे, 400 रुपये की अंकल ने पैंट बताई यहाँ पे। एकदम ओपी पैंट थी, देख रहे हो भाई। पैंट में कोई कमी नहीं, एकदम न्यू पैंट है, देख रहे हो। एकदम सिंपल सोवर भाई, मस्त लगेगी व्हाइट शर्ट पे, ब्लैक शर्ट पे, एकदम ओपी। मात्र 400 रुपये में कोई सी भी पैंट ले लो, कोई सी भी। और यहाँ पे हमें 250 रुपये में शर्ट की सेल्स मिल जाती है। जैसे कि आपको पता है गर्मी आ रही है भाई, हाफ शर्ट पहन है, देख लो फ्लावर्स वाली, काफ़ी यूनिक शर्ट है। मात्र 250 रुपये में कोई सी भी शर्ट, इतनी सस्ती भाई मार्केट कहीं नहीं देखी मैंने। तो हम आगे जा जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल मंदिर के सामने करोलबाग में स्टेशन से उतरते जब आप वहाँ गए तो काफ़ी क्राउड है यहाँ, बहुत क्राउड। एक चप्पल की शॉप मिलती है इसमें, पूमा की, नाइक की भाई, एक से एक चप्पल होती है यूनिक। मात्र 100 रुपये में चप्पल, कोई सी भी चप्पल लो सिर्फ 100 रुपये में। देख रहे हो गाइस कितने सारे आर्टिकल हैं इनके पास। 100 रुपये में आप कोई सी भी चप्पल ले सकते हो, मज़ा आ जाएगा। पहन कर चप्पल होगा तो भाई पूछो ही मत, कोई सी भी चप्पल ले लो आप। पर हम जैकेट देखते हैं 400 रुपये की सेल में, इतनी सारी प्यारी प्यारी जैकेट्स देख लो। ब्लैक कलर कितना ओपी लग रहा है यहाँ पर। व्हाइट कलर की भी एक जैकेट आई की देख लो, आ चुकी है रेट आज की भाई। ये तो तुम्हारे भाई के दिल को छू गए, काफ़ी मस्त जैकेट थी, पर तुम्हारे भाई ने ली नहीं है। इनके पास काफ़ी सारे आर्टिकल थे। रेड वाली देख लो, ये भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं लगी। और कुछ भी व्हाइट वाली अच्छी लगी। ऊपर भी के पास काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, देख सकते हो आप। लेकिन ऊपर वाले जो आर्टिकल हैं वो थोड़े 600 से 700 के बीच में, लेकिन नीचे जो 400 रुपये की सेल चल रही थी ना भाई, ओपी सेल थी, मज़ा आ रहा। अगर कोई लेगा ना भाई, बहुत मज़ा आता है जैकेट पहनने में व्हाइट वाली। तो भाई को बहुत सॉफ्ट थी, बहुत कंफर्टेबल, एकदम हल्की जैकेट, पता नहीं चलता। फिर हम यहाँ पे एक और दूसरी शॉप पे आते हैं जूते देखने के लिए। आप देख सकते हो फिर से हम ओगी का ही जूता देखते हैं यहाँ पे भैया के पास। ये थोड़ा आगे इनके पास जो रेट होते हैं ना, वो बहुत कम रेट होते हैं। इन भैया के पास रेट जो थे 450 रुपये रेट थे जूते के, सिर्फ 450 रुपये। तो आप देख सकते हो भाई, उन भैया के जूते में इतने हाई रेट थे, इन भैया के जूते में सिर्फ इसके 500 रुपये रेट हैं। भैया के बताते फैशन का जूता है ये भी, इसके 500 रुपये रेट है, मात्र 500 रुपये। एकदम मस्त जूता, देख रहे हो कितना ओपी लग रहा है गाइस। तो आप जल्दी से थोड़ा सा आओगे ना, अगर करोलबाग मार्केट तो थोड़ा सा आगे आओगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे जूते हैं। इन भैया की शक्ल देख लो आप। वॉच मिल जाती है 100 रुपये में, कोई सी भी घड़ी लो। भैया ने सेल लगा रखी है फोर सेल, 100 रुपये में कोई सी भी घड़ी, बस मात्र 100 रुपये में कोई सी भी घड़ी। और जो ऊपर की साइड दिखाऊंगा मैं आपको भी देखना, ये ऊपर की साइड जो घड़ी उंगलियों दिखाई मैंने, ये मात्र 150 रुपये की घड़ी थी। बाकी नीचे जितनी भी है सारी 100 रुपये की, देख लो कोई जितनी भी 150 रुपये की ऊपर वाली, नीचे जितनी भी सारी 100 रुपये की। तो फिर यहाँ पे भैया मिलते हैं, पीपड़ी मिल जाना। यहाँ पर हमें टैडी की शॉप दिख जाती है। तो इसमें से मैं टैडी उठाता हूँ पिंक कलर का, देख लो रैबिट उठाता हूँ पिंक कलर का, इसकी रेड आंख होती है और प्यारा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद में इसके प्राइस पूछता हूँ, मात्र 50 रुपये का था ये, मात्र 50 रुपये का। फिर मैं एक व्हाइट कलर का उठाता हूँ रैबिट, जो कि उसकी रेड आंख थी, ये भी 50 रुपये का। ओह कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो गाइस। अब मैं इसके बाद उठाता हूँ हाथी, जो सोचो कितने गाइस कितने का होगा। एक केला खाता हूँ हाथी, सिर्फ 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये। हम आगे की तरफ आए थे तो भाई यहाँ पे हम शॉर्ट शर्ट देखते, कितनी ओपी ओपी शॉर्ट शर्ट लगती थी, कितनी कंफर्टेबल शॉर्ट शर्ट थी ना बैलमैन की, देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है। और भाई दिल्ली जितने ने तो मात्र 200 रुपये की बैलमैन की शॉर्ट शर्ट थी, इतनी ओपी लग रही थी ना पूछो। इनके पास काफ़ी सारा आर्टिकल, 200 रुपये में काफ़ी सारा आर्टिकल, कोई सा भी लोग कोई सा भी 200 रुपये, मजे आ गए थे भाई 200 रुपये में। मैं तो पर ली नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए गया था, तो आपके लिए बहुत पसंद करी। फिर मैंने यहाँ पे 250 रुपये कोट देखे, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 250 रुपये में मात्र कोट, सिर्फ को देख रहे हो भाई अपर कोट, मज़े आ जाएगा देख के। देख रहे हो कितना प्यारा अपर कोट लग रहा है, मात्र 250 रुपये में। यहाँ पर काफ़ी सारे कलर पड़े हुए थे, कोई सा भी लो, ये ब्लू कलर देख रहे हो, ये भी 250 रुपये, पूरी सेल लगा रखी थी 250 रुपये में अपर कोट को। अब हम आपके लिए शर्टें देखने आए थे गाइस, देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी शर्टें, देख रहे हो कितना फैब्रिक, देखो ना कितना प्यारा फैब्रिक है, मैंने छूकर देखा इतना मस्त फैब्रिक था ना गाइस, मज़े आ जाएगा पहनने का जिन्हें तो। और आप सोच नहीं सकते कितने रुपये के होंगे शर्टें, सोचोगे गाइस मैं बताता हूँ आपको कितने रुपये की हो सकती, सिर्फ मात्र 200 रुपये की एक शर्ट, 200 रुपये एक शर्ट गाइस। इतनी प्यारी शर्टें थी ना, तो आप सुबह मज़ा आया था। मैं तो एक शर्ट ले लिया, तो आप कभी विजिट करो तो आप भी लेना। गाइस बहुत देर घूमने के बाद हमने काफ़ी कुछ देख लिया, तो काफ़ी कुछ बता दिया, मुझे लग रही है बहुत देर से भूख, इस गंदी जगह वाले को देख रहे हो
तो यहाँ पे हम 30 रुपए के छोले भटूरे खाने आए थे। हम नहीं, बस मैं खाता हूँ, लेकिन वो तो चले जाते थे। रात देख रहे हो कितनी पाई लग रही, मेरी 30 रुपए की प्लेट लगा रहे हैं छोले भटूरे की। ओए होए, इनकी चटनी जो होती है ना हरी वाली, ओए मजा आ जाए। मेरे छोले भटूरे लग चुके हैं, वो सामने गोलगप्पे खाने गए हैं, देख रहे हैं वहाँ से हाथ हिला रहे हैं संदीप और अरमान दोनों भाई, हाथ हिला रहे हैं वहाँ से, देख रहे हो। अब यहाँ से हमें जल्दी, मैंने छोले भटूरे खा लिया है और इस बंदे ने देख ले, ये शर्मा रहा है गाइस, ये ऑडिशन को दिखाने नहीं चाहता अपनी शक्ल, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है इस वजह से। अब मैंने छोले भटूरे खा लिया, तो इस ब्लॉग को करते इधर ही खत्म, और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।